नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा कुछ दिग्गज कंपनीज के बारे में जो देखा जाए तो इस अप्रैल माह में ही आपको जबरदस्त डिविडेंड देने वाला है। देखिए, बहुत सारे कंपनीज है जो डिविडेंड पे आउट देने वाले हैं, और डिविडेंड आप सभी जानते हैं इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बड़ा मतलब एक फायदा है, क्योंकि डिविडेंड से ही बहुत एक अमाउंट शेयर इन्वेस्टर के पास आते हैं। तो डिविडेंड इन्वेस्टर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मतलब भूमिका निभाता है, और अच्छा खासा एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देते हैं। देखिए, डिविडेंड पाने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं पड़ेगा। कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस करेगा उसके हिसाब से कंपनी डिसाइड करेगा कितना डिविडेंड आपको देना है पर शेयर में। मतलब आप उस कंपनी के ऊपर आप जितने शेयर खरीद के रखे हैं उसके बेसिस से आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ डिविडेंड के बारे में बात करूंगा, कुछ कंपनीज के डिविडेंड के बारे में बात करूंगा जो एक अच्छा खासा कंपनी भी है और उसी कंपनी का डिविडेंड यहाँ पे देने वाला है। तो इस कंपनी के बारे में डिटेल्स में नहीं यहाँ पे बताने वाला हूँ, सिर्फ कंपनी के एक अप्रोक्सीमेटली आपको डेटा में आपको दिखाऊंगा, साथ ही साथ उस कंपनी के मतलब कितना डिविडेंड देने वाला है और कौन सा लास्ट डेट रहेगा। आप उस कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे तो कौन सा लास्ट डेट रहेगा उससे पहले आपको निवेश करना होगा, तभी आपको डिविडेंड मिलेगा। तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर देना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए। तो और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, और इंटरडे लेवल में काम करते हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो पूरा का पूरा लिंक जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, सारे के सारे लिंक नीचे अवेलेबल है। तो डिविडेंड किस तरीके से मिलते हैं वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। अभी डिविडेंड किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, मतलब जो डिविडेंड यील्ड होते हैं वो किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, वो एक मैं आपको यहाँ पे ऑब्वियसली दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, बिजनेस इनसाइडर मतलब साइट से मैं इस डेटा को आपके सामने लेकर आया हूँ, वो तो ऑब्वियसली मैं थैंकफुल रहूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं द डिविडेंड यील्ड फॉर्मूला जो है, वो डिविडेंड यील्ड का जो फॉर्मूला है आप देख सकते हैं। डिविडेंड यील्ड आपको मैं जितने सारे स्टॉक के बारे में बताता रहता हूँ आप देखेंगे तो मैं आपको डिविडेंड यील्ड बताता रहता हूँ, मतलब कितना परसेंटेज डिविडेंड कंपनी दे चुके हैं। तो डिविडेंड यील्ड किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है आप देख सकते हैं। एनुअली डिविडेंड पर शेयर, मतलब पर शेयर में एनुअली कंपनी ने किस तरीके से डिविडेंड दिया, कितना डिविडेंड दिया, उसके साथ करेंट शेयर प्राइस, मतलब अभी जो उस कंपनी का शेयर प्राइस चला है, करेंट जो प्राइस है उसके ऊपर आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा 100 से, तो आपके सामने टोटल डिविडेंड यील्ड निकल के आ जाएगा। तो कितना परसेंटेज डिविडेंड आपको मिल रहा है उसका परसेंटेज आपके सामने निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन सीधा है, तो कैलकुलेशन आपको करना नहीं है, सिर्फ आप डिविडेंड चाहिए तो आप डिविडेंड ले सकते हैं। मगर मैं अप्रोक्सीमेटली आप डिविडेंड किस तरीके से मिलते हैं, किस तरीके से कैलकुलेशन करके मिलते हैं उसी के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा अंदाजा दे चुका था। तो चलो एक एक करके मैं डिविडेंड के बारे में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं देखा जाए तो चार कंपनीज के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले जो कंपनी है वो एक सीमेंट कंपनी से है, इसका नाम आप पहले देख चुके हैं, एसीसी। देखिए, एसीसी एक जो कंपनी है इसका भी देखिए डिविडेंड यील्ड यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो करीबन आप देख सकते हैं 2.71% का डिविडेंड कंपनी पहले ही दे चुके हैं। मतलब ओवरऑल कंपनी जितने दिनों से डिविडेंड दे रहा है तो उसका टोटल परसेंटेज निकल कर आ रहा है 2.71। तो इस जो कंपनी का प्राइस रेंज है, जो कैलकुलेशन आपको बताया हूँ उसके हिसाब से कंपनी 2.71% का डिविडेंड दे चुके हैं। देखिए, कोई खराब नहीं है, अच्छा खासा डिविडेंड कंपनी दिया है। तो अभी कितना डिविडेंड मिलेगा वो आपको जरूर देखना चाहिए, तो चलो वो भी देख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ पे पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है जितने सारे कंपनीज है वो भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके भी देख सकते हैं और कौन सा कंपनी में डिविडेंड मिलेगा। देखिए, मैं सारे के सारे कंपनी के ऊपर यहाँ पे बात नहीं करूंगा, कुछ बेस्ट कंपनी के ऊपर बात करूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एसीसी जो है इसका जो डिविडेंड जो टोटली डिविडेंड यील्ड है वो 500 सॉरी डिविडेंड जो परसेंटेज है 580 है, और कंपनी आपको 558 रुपीज का डिविडेंड देने वाला है, और फाइनल डिविडेंड है, कोई इंटीम डिविडेंड नहीं। और फाइनल डिविडेंड क्या होता है, इंटीम डिविडेंड क्या होता है उसके बारे में मैं पहले बात चुका कर चुका हूँ। यहाँ पे देखिए, अनाउंसमेंट जो डेट दिया गया है वो 9 फरवरी में, और आपको डिविडेंड मिलेगा कौन सा, 4 अप्रैल में। तो 4 अप्रैल से 2 दिन पहले आप इस कंपनी का शेयर खरीदारी कर लेते हैं तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो 58 रुपीज डिविडेंड मिलेगा एसीसी से। तो दूसरा जो कंपनी है वो एक सुगर कंपनी है, एक जबरदस्त कंपनी है, तो दारकस जो सुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ये भी एक अच्छा खासा कंपनी है। मगर यहाँ पे मैं एक बार डिस्क्लेमर जरूर देना चाहता हूँ, यहाँ पे एक कंपनी का मार्केट कैप है टोटल देखा जाए तो 2035 सॉरी
2.35 करोड़, मतलब 1000 करोड़ का मार्केट कैप, मतलब आप बोल सकते हैं 2.5 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। तो मतलब 2035 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ओवरऑल इस कंपनी बहुत छोटा मोटा है, तो इसलिए इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी देखिए 1% डिविडेंड कंपनी दे चुके हैं, मगर डिविडेंड के चक्कर में इस कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम इशू हो सकता है। तो चलो देख लेते हैं फिर भी इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड कितना है। तो यहाँ पर देखिए जो शुगर है उसका डिविडेंड आपको मिलेगा 2%, मतलब 200% का डिविडेंड यहाँ पे मिलेगा। देखिए यहाँ पे परसेंटेज जो है वो किस तरीके से होते हैं, एक्चुअली कंपनी का जो फेस वैल्यू है उसके हिसाब से यहाँ पे परसेंटेज दिया जाता है। तो यहाँ पे इंटीम डिविडेंड मिलने वाला है 22 मार्च में, यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया और कंपनी आपको डिविडेंड देगा 7 अप्रैल में। तो 7 अप्रैल से 2 दिन पहले आप इस कंपनी का शेयर खरीदारी कर लेते हैं तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो देखिए इंटीम डिविडेंड क्या होता है, फाइनल डिविडेंड क्या होता है, वो भी चलो बात कर लेते हैं, नहीं तो फिर भी बहुत सारे दोस्त यहाँ पे कमेंट करेंगे। तो इंटीम डिविडेंड होते हैं कंपनी के जो प्रोमोटर होते हैं, वो खुद डिसीजन लेते हैं कि उस कंपनी के ऊपर कितना डिविडेंड देना देना चाहिए, क्योंकि कंपनी का एक अर्निंग अच्छा खासा हुआ। देखिए डिविडेंड 2 कारण से दिया जाता है, आप देखेंगे गवर्नमेंट कंपनी में कर्जा होने के, बहुत बड़ा कर्जा होने के बाद भी कंपनी गवर्नमेंट डिविडेंड देते रहते हैं, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट चाहते हैं उस कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है वो हमेशा बने रहे, इतना छोटा स्टिक प्राइस के ऊपर लोग खरीदारी करते रहे, तो इसीलिए लिक्विडिटी मतलब बरकरार रखे, तो इसीलिए वो इंटीम डिविडेंड देते रहते हैं। मगर फाइनल डिविडेंड क्या होता है, फाइनल डिविडेंड एक्चुअली देखा जाए तो जितने सारे शेयर होल्डर है उसके अप्रूवल लिया जाता है, और दिग्गज जितने सारे शेयर होल्डर्स है, साथ ही साथ प्रोमोटर है, सारे के सारे अप्रूवल लेकर ही डिविडेंड दिया जाता है, उसको फाइनल डिविडेंड दिया बोलते हैं। और स्पेशल डिविडेंड भी होते हैं, स्पेशल डिविडेंड मतलब कुछ स्पेशल डिविडेंड कंपनी मतलब खुश होकर अच्छा खासा डिविडेंड देते हैं, मतलब आप देखेंगे तो एक एक बार कंपनी ने डिविडेंड दिया, मार्केट चले कंपनी 5 रुपये आपको डिविडेंड अनाउंसमेंट किया इंटीम डिविडेंड, साथ ही साथ कंपनी और 10 रुपये आपको स्पेशल डिविडेंड दे रहा है, मतलब कंपनी का अच्छा खासा इनकम हुआ था तो स्पेशली आपको एक गिफ्ट भी दे रहा है, वो ही मतलब टोटल 15 रुपये आपको डिविडेंड मिलेगा। तो इस तरीके से स्पेशल डिविडेंड बताया जाता है। तो ये था 2 कंपनी। उसके बाद जो कंपनी है वो है एडुलिस फाइनेंशियल सर्विसेज। तो एडुलिस फाइनेंशियल सर्विसेज जो कंपनी फिलहाल के लिए देखा जाए उतना खास नहीं है, फिर भी देखिए मेरे बहुत सारे दोस्त ने कमेंट किया सर इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के दीजिए, मैं अलग से वीडियो आपको जरूर बना के दूंगा। मैं यहाँ पे जो चीज आपको दिखाने वाला हूँ, देखिए कंपनी का जो हालत है बहुत खराब है, फिर भी देखिए कंपनी डिविडेंड अच्छा खासा दे रहा है, 1% तक कंपनी डिविडेंड दे चुके हैं, और एक छोटा मोटा कंपनी है, 4.5 हजार करोड़ का मार्केट कैप है इसका। तो एडुलिस जो है वो भी देखेंगे तो एडुलिस फाइनेंस जो है वो देखा जाए तो 0.25 मतलब पैसे का यहाँ पे डिविडेंड देने वाला है, और वो भी देखिए 29 मार्च में अनाउंसमेंट किया गया था और 7 अप्रैल में आपको डिविडेंड मिलेगा। तो यहाँ पे इंटीम डिविडेंड कंपनी देने वाला है। उसको उसके बाद जिस कंपनी का नाम लूंगा वो देखिए एबीबी इंडिया, मतलब यहाँ पे एबीबी इंडिया आप सभी जानते हैं ये एक इंजीनियरिंग कंपनी है, तो इस कंपनी के ऊपर आपका मतलब हिस्सेदारी है, तो आप इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली डिविडेंड आपको मिलेगा। कंपनी को छोटा मोटा नहीं है, 44,000 करोड़ का मार्केट कैप बोल सकते हैं, मगर कंपनी उतना ज्यादा डिविडेंड यहाँ पे नहीं देते हैं क्योंकि इसका डिविडेंड यील्ड 0.25% है, बहुत कम है। कि इस कंपनी आपको डिविडेंड देने वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं एबीबी इंडिया जो है वो डिविडेंड देने वाला है 5.20 रुपीज, मतलब 5.20 रुपीज, वो भी 260% का डिविडेंड यहाँ पे मिलने वाला है। तो फाइनल डिविडेंड है, और यहाँ पे कंपनी आपको लास्ट डेट रहेगा 27 अप्रैल, उससे पहले आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो 10 फरवरी में डिविडेंड अनाउंसमेंट किया गया था और 27 अप्रैल में आपको डिविडेंड मिलेगा। तो 27 अप्रैल से 2 दिन पहले आप कोई भी शेयर खरीदारी कर लेते हैं तो आपको डिविडेंड जरूर मिलेगा। उसके बाद जो लास्ट कंपनी का नाम लूंगा वो है नेस्ले इंडिया, ये मेरे एक फेवरेट स्टॉक भी है। देखिए नेस्ले इंडिया कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, एक दिग्गज लार्ज कैप कंपनी है, इंडिया का एक लीडिंग कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है एफएमसीजी सेक्टर में, मतलब उसका जो डिपार्टमेंट है, जो सेक्टर है, उस टेक सेक्टर से देखा जाए तो इंडिया का लार्जेस्ट कंपनी है, क्योंकि इसका मार्केट कैप 1,67,000 करोड़ से भी ज्यादा। कंपनी डिविडेंड देने वाला है, कंपनी का पहले डिविडेंड यील्ड था 1.16, अभी ये चेंज हो जाएगा। तो इस कंपनी के जो डिविडेंड का देने का जो फैसला किया कंपनी, 65% का डिविडेंड, मतलब 650%, मतलब इसका कंपनी का फेस वैल्यू अभी 10 रुपया है। तो देखिए कंपनी का अनाउंसमेंट जो डेट था 17 फरवरी, और कंपनी डिविडेंड देने वाला है 21 अप्रैल, तो इस तारीख में आपको डिविडेंड मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इस कंपनी के ऊपर डिविडेंड चाहिए तो 2 दिन पहले ऑब्वियसली मार्केट ओपन होना चाहिए, मार्केट क्लोजिंग होने के टाइम में तो आप शेयर खरीदारी नहीं कर सकते, तो 2 दिन पहले, अगर 2 दिन पहले आप मार्केट क्लोजिंग है तो उससे पहले भी आपको
शेयर खरीदारी करना होगा। तो ये था कुछ गुने चुने मतलब कंपनी। आप और भी कंपनीज के डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। तो मैं कुछ अच्छा खासा कंपनी के बारे में यहाँ पे बात किया। यहाँ पे मैं जरूर डिस्क्लेमर एक देना चाहता हूँ, आप एडुलिस फाइनेंस जो है इस कंपनी के ऊपर आप जरूर देख मतलब स्टडी करके निवेश करना, क्योंकि बहुत रिस्की गेम अभी इस कंपनी के ऊपर चल रहा है। तो बाकी सारे के सारे कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले आप एक बार स्टडी जरूर कर लेना, क्योंकि डिविडेंड के चक्कर में कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश कर देंगे तो फ्यूचर में आप फंस सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप सारे के सारे कंपनी के ऊपर पहले स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।